मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के दतिया में प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। मतगणना से ठीक पहले और एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सियासी बाजार तब गर्म हो गया जब पूजा पाठ से पहले जेपी नड्डा ने सीएम शिवराज और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ शाही सिंधिया परिवार के जय विलास पैलेस का दौरा किया। मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ था, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। 30 नवंबर को जैसे ही पांचों राज्यों में मतदान संपन्न हुआ और गुरुवार की शाम सामने आए एग्जिट पोल ने राजनीतिक हलचल पैदा कर बड़े बड़े दिग्गजों की धड़कनें तेज कर दी हैं। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसकी तस्वीर 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी।